हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं जीबीयू और कॉन्वोकेशन है आज 2023 का। और आप देख सकते हैं कि जीबीयू बहुत ही ज़्यादा शानदार, मतलब कि डेकोरेट हो रखा है। उसकी वीडियो हम आपको क्लिप में लगा देंगे। और बाकी जो कॉन्वोकेशन हो रहा है वो 2023 का जो हो रहा है उसमें काफ़ी लोगों का, मतलब ऐसा नहीं है कि 2022 वालों का हो रहा है, 2018 बैच से ही दो था और काफ़ी ज़्यादा बैच के लोग हैं इसमें। और सबको ही मेडल्स मिलेंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और काफ़ी लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल जर्नी का एंड हो सकता है। ठीक है, एंड इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ से डिग्री लेके पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आना कभी होता नहीं है जीबीयू में। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देना, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और ये मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आपका ओथ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो आज आने वाले हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों लोग आने वाले हैं और वो यहाँ पर डिग्री देंगे लोगों को जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और बाकी लोगों को काफ़ी मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें। और कॉन्वोकेशन का जो वो है पूरा इवेंट बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा है सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर लंच का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर ये हमारे मित्र हैं रचित त्रिपाठी जी, जिन्हें आप जानते होंगे वीडियो में देखा होगा। भाई भी आए हुए हैं और काफ़ी भाई लोग आए हुए हैं। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर लंच का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और ये जो सामने देख रहे हैं ऑडी, यहाँ पर सबको डिग्री मिलेगी। और काफ़ी लोग, ये अप्रॉक्स 7000 स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी अपने फ्रेंड्स की तरफ चलेंगे और फ्रेंड्स से रूबरू कराएंगे उनको कैसा लग रहा है और डिग्री लेने के बाद जो ये फाइनल चैप्टर है जो ये कंप्लीट होने वाला है। देखो, कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हैं और जब लास्ट चैप्टर पे आते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि ये बुक कंप्लीट होने वाली है। मगर ये जो जर्नी है, इस जर्नी का ये फाइनल चैप्टर है कि बस ये कॉन्वोकेशन और इसके बाद आना नहीं है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मतलब कि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते खुशी होगी कि यार चलो ख़त्म हुआ। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल कह सकते हैं। और वही चीज़ें हो रही हैं, हमें बुरा लग रहा है कि हम जीबीयू से अब कभी कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे और ये एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा। जैसे ये रही, हाँ, तो ये आपकी ब्यूटीफुल जर्नी का लास्ट चैप्टर है, तो कैसा लग रहा है? लास्ट चैप्टर है, हाँ, और क्या, कॉन्वोकेशन के बाद थोड़ी ना आना होगा, लास्ट या फाइनल? तो मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं सुंदर लग रही हूँ तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इनको खुशी हो रही है, लास्ट जैसा नहीं लग रहा है, मतलब इनको लास्ट नहीं लग रहा है और इनको खुशी हो रही है, मतलब यहाँ से जाके खुशी, हाँ खुशी होगी, बड़े हो गए, फाइनली। मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ, मुझे बुरा ही लग रहा है कि यहाँ से जाना पड़ रहा है। कुछ बुरा नहीं लग रहा है, इतना खुश है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सौरभ राज है हमारे, ये देखिए इनके आंखों में कितने आंसू हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, आंसू नहीं है, किसी की आंखों में आंसू नहीं है, थे यार कल रात, हमने 3 साल से डिग्री का वेट किया है, कल रात तो थे यार। ऐसा होता है ना, हम जीबीयू में हर साल कॉन्वोकेशन नहीं होता है, काफी दिनों 8 साल बाद कॉन्वोकेशन हो रहा है और इसका वेट हम काफी दिनों से कर रहे थे। और हर 8 साल, एवरी 8 ईयर ऐसे ही होता है, तो ये काफी लोग वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही डिग्री मिलती है। ठीक है, अब ये हमारे अतुल पांडे जी हैं, थोड़ा कुछ दो शब्द कहेंगे जूनियर्स के लिए। जो लोग एडमिशन लेते हैं मोस्टली वही लोग वीडियो देखते हैं और उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होती है, उनको लगता है कि कॉन्वोकेशन कैसा होता है, कैसी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें। तो ये अतुल पांडे कुछ बताएंगे, आपकी जर्नी जो रही है 5 साल की, क्या आप बताएंगे? जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी अच्छा रहा है लोगों, थोड़ा सा तेज बोलिए अतुल पांडे जी। जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही है, लोगों के साथ उठना बैठना हमारे जो दोस्त, ये लाइफ कभी मिलती नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है,
जो ये लाइफ है आपके जीवन का, ये बहुत बहुत ही कीमती होता है, ये कभी मिलती नहीं है, इसलिए जो जो हो टाइम अच्छा से यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप जी रहे हैं वो जी लीजिए, फिर ये लाइफ कभी वापस आने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे, हमारे मित्र और बहुत ही हमारे घनिष्ठ मित्र हैं अनवर जी, ये अपनी दो बातें कहना चाहेंगे। अनवर जी हेलो। तो आप जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्वोकेशन है, लास्ट है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बस रोना आ रहा है, ज्यादा ज्यादा रोना आ रहा है, और हारी सली नहीं आए इसके लिए बहुत मिस कर रहे हैं हारी सली को, शिवम शर्मा को, बाकी सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अब हमारे सीनियर भैया हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 साल में कॉन्वोकेशन होता है, तो हमारे सीनियर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जीशान भैया जिन्होंने मतलब कि हमारी डिग्री के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो उनसे भी कुछ दो बातें सुनना चाहेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आप लोग एक तौर से स्टार्टिंग से हमारे परिवार की तरह एक छोटे भाई के रूप में हमेशा रहे, और आप लोगों से मिल के स्पेशली मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, और उम्मीद करते हैं कि आगे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन ये हमारी लास्ट मुलाकात ही कह सकते हैं, क्योंकि एक सारे मतलब एक एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मिलना बहुत कम हो पाता है, और रेयर ही चांसेस होते हैं कि आप कॉलेज के बाद फिर कभी किसी से मिल पाओ, तो वही चीज है जैसे भैया ने बताया कि लास्ट मुलाकात हो सकती है, हालांकि जब कभी मिलना होगा तो होगा, मगर ये एक कॉलेज में तो लास्ट ही है, और ये सारी चीजें हैं। तो और भी लोगों से उनके व्यू जानेंगे, और आप भी बताइए, एक हमारे बहुत ही घनिष्ठ और मतलब कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के एक बोल सकते हैं कि रतन जैसे होते हैं ना, तो वो रतन है हमारे रचित त्रिपाठी जी। ठीक है, इनसे दो शब्द जो आपके लिए जर्नी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से एंड हुआ, यही एंड मैं चाहता था कि सब लोग एक साथ हों इसी जगह पे, बस और क्या। चैनल पे आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए, रोहित शुक्ला को सपोर्ट कीजिए, और वीडियोस आएंगे। तो देखो, सबसे अच्छी बात इन्होंने कही सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट का मतलब है सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको यहाँ पे आपको लाइफ से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा चीजें, जैसे कि आप अभी कॉलेज से निकलेंगे, फिर जॉब्स और भी काफी चीजें, सारी चीजें इस चैनल पे मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी बहुत से लोगों से उनके व्यू लेंगे, तो आप देखिएगा कैसा लगता है। गाइस, मेन ऑडिटोरियम में आ गए, और यहाँ पर मिलने वाली डिग्री अंदर ऑडी में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना क्राउड है, और ये हमारे मित्र, बहुत मजा आ रहा है मिलके आज कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको, हम अपने बंदों को भी नहीं पहचान पा रहे, सबकी ड्रेसेस सेम है, सबकी ड्रेसेस सेम है। ठीक है, तो क्राउड देखिए, सारे लोग अपने बैच के साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं, और सारे लोग हैं यहाँ पर, और अब हम डिग्री मिलने के बाद आपको बताएंगे और दिखाएंगे। थ्री में हम लोगों को डिग्री मिलेगी, और ऑडिट की कंडीशन आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो टाइम है वो टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग है चीज़ें, और अभी ICT स्कूल ऑफ ICT वालों को डिग्री मिल रही है, और हम लोगों को मिलेगी 4:30 बजे से। ठीक है, तो वेट करना है अभी, और अभी देखते हैं चीज़ों को, आपको दिखाते हैं, देखिए कितना क्राउड है, और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और रैंचों की तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर। ये मेन ऑडिटोरियम है GPU का, और ये काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, आप देख सकते हैं बैच वाइज लोग, ये देखिए बैच वाइज फोटो खिंचा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि फिर से मिलेंगे। ठीक है, मगर चीज़ें क्या हैं, चेंज हो जाती है टाइम के साथ, लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिलता है, और मिलना बहुत ही कम होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज, अब चीज़ें आपको समझनी है कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ कैसे
कंटिन्यू करनी है और कैसे जीना है उसको। खुद तो ये प्रियम पांडे जी हैं और ये गोल्ड मेडल है और ये जा रहे हैं गोल्ड मेडल लेने के लिए। कैमरा कहाँ है? और ये देखिए बीसी सर यहाँ पर डिग्री देते हुए। ये पूरा ऑडिटोरियम मैं ऐसे घूम रहा था और आपको दिखाऊंगा। ये मेरी सिस्टर है छोटी और ये मुझे यूट्यूब से ही मतलब हमारी बात स्टार्ट हुई थी और ये सीएस ब्रांच में फाइनल ईयर में। तो प्राची कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं वेट कर रही थी कि फर्स्ट ईयर से मेरी जिस पहले सीनियर से बात हुई थी आज मैं कॉन्वोकेशन के टाइम पे उनसे मिल पा रही हूँ एंड इट इज़ रियली हैप्पी टू सी यू। तो देखिए मतलब बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था मैं भी आने का। और हमेशा इंस्टा पे भी बात करते थे तो बोलते रहते थे मिलेंगे बट भैया क्योंकि जयपुर प्लेस्ड थे तो हम नहीं मिल पा रहे थे तो आज कॉन्वोकेशन के टाइम पे मिल गए फाइनली। तो देखो यूट्यूब से हमें काफ़ी कुछ मिलता है और एक ऐसा रिलेशन भाई बहन का और यहाँ पर कॉलेज में आज इस मतलब कि चैप्टर का लास्ट ही है जर्नी एक बहुत ही अच्छी जर्नी का और यहाँ पर प्राची से मिला काफ़ी अच्छा लगा। तो प्राची तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है? मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी जा रही है वैसे तो बट बहुत सारे उतार चढ़ाव है क्योंकि मैं प्री फाइनल ईयर में हूँ। मैं फोर्थ ईयर में हूँ अपने तो लड़ाइयाँ होती हैं फिर से सब पैचअप होता है फिर पढ़ाई होती है पेपर के टाइम पे है ना। ऐसे रात रात भर जग के काम कर रहे होते हैं उससे पहले मस्ती कर रहे होते हैं मूवी इधर उधर घूमना सब। तो कुल मिला के एक ये पूरा एक पैकेट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अच्छा भी बुरा भी हर तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखिए कॉलेज लाइफ है और आपको इसको एंजॉय जरूर करना है वो बहुत ही अच्छा है और जैसे आपने देखा प्राची का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था शानदार था। ठीक है तो गाइस अब फिर से बाकी चीज़ों को मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत खुश है बोल रही आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है भैया से मिलने के लिए लिटरली मैं भैया से मिलने के लिए मैंने कॉन्वोकेशन में पार्ट लिया। मतलब इतना प्यार अगर आपको मिल रहा है यूट्यूब से तो बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग बहुत सीरियस लेते हैं चीज़ों को। ठीक है गाइस बाकी और चीज़ें कवर करते हैं। तो ये कॉन्वोकेशन है और यहाँ पर अब डिग्री मिलेगी सर डिग्री दे चुके हैं ये हमारे एचओडी सर हैं। तो गाइज फाइनली डिग्री मिल चुकी है और डिग्री के टाइम पे वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए सॉरी। और ये रही मेरी डिग्री और फाइनली जीबीयू से पास आउट हो गया हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। और देखिए ये आपका कॉन्वोकेशन कंप्लीट हो चुका है ये रहा और इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा थोड़ा सा इमोशनल भी है क्योंकि अब यहाँ से जाना है और एक नई जर्नी है और सारी चीज़ें हैं। तो गाइज अब वीडियो आती रहेंगी और भी चीज़ें अपडेट होंगी आएंगी जीबीयू ऐसा नहीं है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।